हेलो एवरीवन गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, पार्ट नंबर 1। बहुत लोगों ने बोला कि सर ये वाला चैप्टर भी स्टार्ट कर दीजिए, सो गाइस मैं ये वाला भी स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसके पहले अपना जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो भी साथ में चल रहा है, दोनों जल्दी ही 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएंगे। आप आज की डेट में जो वीडियो देख रहे हो तो आपको जल्दी ही पूरा 2 से 3 दिन में सब खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है गाइस, सो ये है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10, क्लास 12th स्टैंडर्ड के लिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ओके माय डियर, ये इसका पार्ट 1 है। हम लोग बहुत ही बेस्ट तरीके से डीप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। आपको बस एकदम बस लेक्चर को सुनना है और बहुत सारी नोट्स को आपको खुद से प्रिपेयर करना है और सारे इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में बिठाते जाना है और अपने आप ये आसान चैप्टर बनते जाएगा, क्योंकि ये हमारे हेल्थ से और डिसीजेस से रिलेटेड है। कौन सी डिसीजेस हमें होती हैं, हमारा हेल्थ कैसा है, कैसे हमारा बॉडी बहुत ही अच्छे से काम करेगा, कैसे हमारे बॉडी में कौन सी चीज़ें हैं जो डिफेंस का काम करती हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हम लोग सीखने वाले हैं इस वाली वीडियो में। ठीक है, तो आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा, मेरा नाम है प्रशांत, आप मुझसे यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके नोट्स ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे भाई हेल्थ क्या होता है, एग्जैक्टली जो हमारा हेल्थ है वो होता क्या है, मतलब हमारा हेल्थ क्या है। ठीक है, तो अगर आप माय डियर बोलो कि मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं हेल्दी हूं, तो ये टोटली रॉन्ग है। अगर आप बोलो कि मैं फिजिकली फिट हूं तो आप हेल्दी हो, तो भी ये रॉन्ग है। अगर आप बोलो कि मैं सिर्फ मेंटली फिट हूं तो भी आप रॉन्ग हो, आप हेल्दी नहीं कहलाओगे। अगर आप बोलो कि मुझे कभी कोई बीमारी नहीं हुई है ना ही कभी होगी तो मैं हेल्दी हूं, तो ऐसा भी रॉन्ग है भाई। ठीक है, मतलब बीमारी का ना होना, डिसीजेस आपको कोई नहीं हुई है अब तक और ना फ्यूचर में कभी होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप फिर हेल्थ क्या हो, तो माय डियर हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इनफर्मिटी। अगर ये सारी चीजें, मतलब कि ना तो आपको फिजिकल मतलब कोई प्रॉब्लम हो, ना आपको मेंटल प्रॉब्लम हो, आप सोशली एकदम बेस्ट रहो, और ना ही मतलब कभी भी आपको कोई मतलब डिसीजेस मतलब नहीं होनी चाहिए, और मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब आपका बॉडी एकदम बेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, मेंटली भी फिजिकली भी, और सोसाइटी में आप कैसे रहते हो वो भी, हर तरह से अगर आप बेस्ट हो तो आप हेल्दी पर्सन माने जाओगे। समझ में आ गया? तो ये होती है हेल्थ की रियल डेफिनेशन। ठीक है माय डियर, चलो अभी हम लोग सीखते हैं कि जो हेल्थ होता है, अगर मैं अभी सिर्फ मैं फिजिकली हेल्थ की बात करूंगा, मेंटली और सोशल वेलबींग वाली तो ठीक है आप तो उतना जानते ही हो, फिजिकल हमें देखना है आज, हमारी बॉडी से रिलेटेड हमको आज सारी चीजें समझनी है। तो फाइनली आपने हेल्थ का मतलब जान लिया। तो गाइस दुनिया की कोई भी बीमारी हो, अगर गंदगी है तो बीमारी आएगी ही आएगी, चाहे जो भी हो जाए। तो हेल्थ मेंटेन रखने के लिए हाइजीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट, इसे आप कह सकते हो, यानी कि हाइजीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर द हेल्थ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, हाइजीन मीन साफ सफाई, साफ सुथरा रहना, ये सारी चीजें हाइजीन। देखो आपको बताता हूं हाइजीन से कितनी सारी बीमारियां हो सकती है अगर आप अच्छे से नहीं रखते हो, तो आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, गंदे पानी गंदे खाने से होता है जो कि कभी ठीक नहीं हो सकता, आपको फंगल इंफेक्शन हो सकता है गंदे पानी गंदे फूड से। ठीक है, फिर आपको मलेरिया है, फीवर है, कितनी सारी बीमारियां माय डियर सिर्फ गंदगी से हो सकती है। तो हेल्थ मेंटेन रखना है तो हाइजीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो फिर गाइस और इंपॉर्टेंट बताता हूं कि कभी भी जो हेल्थ है, ये जो हेल्थ है ये सभी एक एक इस दुनिया में रहने वाले इंसानों का सोशल एंड ह्यूमन राइट्स है, ये अधिकार है, ये आपका आपके बर्थ के दिन से ही आपका ये अधिकार बन जाता है कि आपका जो हेल्थ है वो बेस्ट तरीके से रहे, मतलब ये आपका अधिकार है। मतलब आपको कोई भी कंट्री में अगर आप रहते हो तो वो कंट्री का ये मतलब उसका एक कर्तव्य बनता है कि वो आपको सोशल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल वेलबींग अच्छे से क्रिएट करे आपके अंदर। ठीक है, आपको हेल्दी बनाए, ये हर गवर्नमेंट की एक मतलब वो कर्तव्य होना चाहिए उसका, हालांकि वो नहीं करता तो वो उसकी गलती है। ठीक है, ये बातें आपको समझ के रखनी है। नेक्स्ट है माय डियर, अब हम समझेंगे कि हमारे अंदर बीमारियां कैसे आती हैं। तो थोड़ा हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हम देखने वाले हैं कि हमारे अंदर बीमारियां कैसे आती हैं और जो बीमारियां फैलाते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो माय डियर जो बीमारियां फैलाते हैं उनको हम पैथोजेन कहते हैं, पैथोजेंस। Who is the pathogens? Pathogen एक invader कहलाते हैं, invaders। Invaders मतलब जानते हो हिंदी में इसे क्या कहते हैं, invaders का मतलब होता है घुसपैठिए, मतलब किसी की जगह में कोई दूसरा घुस जाना, जैसे कि आतंकवादी जो होते हैं मतलब अपने इंडिया में घुस जाते हैं, आतंकवादी समझते हो ना, मतलब तो वही जो घुस जाते हैं अपने इंडिया में, ठीक है, या कहीं पर भी घुस जाते हैं तो उन्हें हम invaders कह सकते हैं। तो invaders मतलब घुसपैठिए, जो मतलब बिना पूछे आछे अंदर घुस जाते हैं फिर वहां पे आतंक फैलाते हैं, तो उन्हें घुसपैठिया कहते हैं। तो फिलहाल अपनी बॉडी में भी ऐसे
बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स, माइक्रोब्स इन द सेंस कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माय डियर, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये हमारे बॉडी में बिना पूछे आछे, बिना हमारे परमिशन के और हमारे बॉडी में अंदर चले जाते हैं। वाय डिफरेंट डिफरेंट मोड्स लाइक वाटर, फूड एंड मेनी थिंग्स, इन सभी के वजह से हमारे बॉडी में ये अंदर चले जाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, इन बातों को आपको अच्छे से माय डियर समझ के रखना है। ओके चलो, तो जो पैथोजेंस ये कौन कौन है, तो माय डियर ये वायरस होते हैं जो हमारे बॉडी में, जैसे कि अभी देखो कोरोना वायरस है, तो ये कैसे हमारे बिना पूछे हमारे बॉडी में अंदर इन्वेड कर जाता है। ठीक है, तो ये वायरस है, फिर ऐसे बैक्टीरिया है, फिर ऐसे प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के बारे में तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, डोंट वरी, फिर फंगाई है, तो ये सारे पैथोजेंस कहलाते हैं। अब आपको क्लियर डाउट हो गया होगा कि पैथोजेंस क्या होता है और ये मतलब वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई क्या चीज होती है, तो ये सारी चीजें माय डियर आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं माय डियर, कि ये जो हमारे बॉडी में एक बार पैथोजन घुस तो गया, आपको मालूम भी है कि हमारे इस दुनिया में माय डियर करोड़ ऑफ बैक्टीरिया हर दिन हमारी बॉडी में जाती हैं, फिर भी हमें कोई बीमारी नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? हमें बीमारी तभी होती है कि जब हम मतलब बहुत कमजोर रहते हैं, हमारे अंदर वीकनेस होती है तभी। लेकिन ऐसा क्या है कि इतनी सारी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जाती तो हम बच जाते हैं? तो माय डियर, उसके लिए हमारे बॉडी में खुद का एक डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम हमारे बॉडी में, जो कि अपने आप हमारी बॉडी में पहले से ही पाया जाता है। फिलहाल कभी कभी हमें बाहर से भी डिफेंस सिस्टम लेना पड़ता है, मैं बताऊंगा सारी चीजें क्या है। ठीक है, बट हमारे बॉडी में पहले से ही डिफेंस सिस्टम क्रिएटेड है, जिसका नाम है इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, ठीक है, उसका नाम है, और वो हमें इन बैक्टीरियाज को किल करके हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो माय डियर, हम चलेंगे आज सीखने वाले हैं इसी इम्यूनिटी मतलब डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो माय डियर, जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये क्या है, ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, ऑर्गन्स के बहुत सारे सिस्टम है, ठीक है, ब्रेन का सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, ठीक है, फिर कार्डियक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम है। उसी तरीके से इम्यून सिस्टम भी हमारे बॉडी में है। इम्यून सिस्टम क्या करता है? इम्यून का मतलब ही होता है एबिलिटी टू प्रोटेक्ट, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की एक ताकत, एक क्षमता, एक एबिलिटी, ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। इसीलिए माय डियर, हम इम्यून सिस्टम को हम डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी को ये बाहर से आने वाले जो इन्वेडर्स हैं, पैथोजेंस हैं, यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, कुछ भी आ सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स के थ्रू, मोड्स यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पाथेस का, पाथ का इस्तेमाल करके, और हमारे बॉडी में पैथोजेंस अंदर आते हैं, तो इन पैथोजेंस को किल करने का काम हमारा इम्यून सिस्टम करता है माय डियर। ओके, तो इम्यून सिस्टम का काम क्या है? ये डिफेंस करने का काम इसका होता है। ठीक है, ये वेरियस टाइप्स के माय डियर, वेरियस टाइप्स के जो पैथोजेंस होते हैं उनको हमारे बॉडी में आने से, अंदर घुसने से, और अगर घुस गए तो इनको किल करने से रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं कि वो हमारे बॉडी में कोई हार्म ना पहुंचा सके, हमारे बॉडी का कोई लॉस ना कर सके। तो ये होता है हमारे इम्यून सिस्टम का मेन काम। Then my dear, exactly what is the meaning of immunity? मतलब immunity क्या है? तो immunity हमारे immune system में होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपका जो हाथ है या आपके बॉडी में जो जो भी आपकी बॉडी है, आपके हाथों में कितनी ताकत है, तो आपके हैंड तो ठीक है, लेकिन उस हैंड में कितनी ताकत है, तो आप उसको बोलते हैं ना पावर ऑफ द हैंड, ऐसा। तो वैसे इम्यून सिस्टम के पास कितनी ताकत है उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी बोलते हैं ना, अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हमको कोरोना नहीं पकड़ेगा, तो यही है। हम ऐसा नहीं बोलते कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो, ऐसा नहीं। इम्यून सिस्टम तो एक काम करने का एक जस्ट एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरा काम करता है बाहर से आने वाले इन्वेडर्स को खत्म करने का काम करता है, पूरा डिफेंस है हमारा ये। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में आर्मी होती है, फिर नेवी है, ये सब कुछ, तो एक हमारा डिफेंस सिस्टम है। हमारे इंडिया के डिफेंस सिस्टम में कौन कौन आता है? आर्मी आती है, फिर नवेल एकेडमी वाले आते हैं, फिर हमारे इंडिया में एयरफोर्स आता है, फिर और भी बहुत सारी फोर्सेस हैं, मतलब सीआरपीएफ एंड बहुत सारी फोर्सेस, फिर अपनी पुलिस फोर्सेस, तो ये सब डिफेंस सिस्टम में आती हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम है, जो कि डिफेंस सिस्टम है। अब इसके अंदर ये बहुत सारे सिस्टम से हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से, तो ये अभी हमारे डिफेंस सिस्टम की इंडिया की स्ट्रेंथ कितनी है, तो जैसे कि अपने आर्मी में 24 लाख से ज्यादा मतलब आर्मी के जवान एकदम तैनात हैं, एक्टिव हैं, ठीक है, और कुछ पैसिव भी हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे, फिलहाल डोंट वरी। बट इसी तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम में भी हमारी इम्यूनिटी है माय डियर। ठीक है, तो हमारी इम्यूनिटी मतलब हमारी ताकत, हमारे अंदर की जो इम्यून सिस्टम की क्षमता, एबिलिटी सामने वाले बैक्टीरिया को किल करने के लिए, वही हमारी इम्यूनिटी कहलाती है। तो इम्यूनिटी हैज अ ट्रेडिशनली रेफर टू एज रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट टुवर्ड्स इंजरी कॉज्ड बाय पैथोजेंस एंड देयर प्रोडक्ट्स। मतलब कि ये एक मतलब वही आप जान चुके हो ना कितना रेजिस्ट करने की आपकी एबिलिटी है।
आप कितना सामने वाले पैथोजेंस को रजिस्ट कर सकते हो, वही आपकी एबिलिटी। अगर मान लो मेरे अंदर की एबिलिटी है कि मैं 2 करोड़ वायरसेस को एक साथ खत्म कर सकता हूँ मेरे अंदर का इम्यून सिस्टम, तो मेरी एबिलिटी ठीक है, अच्छी खासी है। ठीक है, अगर कोई के अंदर 10-85 किल कर पाता है तो फिर उसकी भी थोड़ी है बट बहुत कम ही है। ठीक है, तो ऐसी इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी में माय डियर। ठीक है, तो वो इम्यूनिटी कहलाती है। नाउ गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट जो होता है ये अपने आप में मतलब बहुत अच्छा, इसका एक एक ऑर्गन सिस्टम, एक एक पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर अगर आप डीप में पढ़ते जाओ तो आपको सालों लग जाते हैं समझने में, पढ़ने में। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम है माय डियर, इसकी स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी, यानी कि द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। मतलब जब आप इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हो तो हम कहते हैं कि आप इम्यूनोलॉजी की स्टडी कर रहे हो, और अगर आप इम्यूनोलॉजी की स्टडी कर रहे हो तो आप इम्यूनोलॉजिस्ट कहलाओगे। दैट इज, यू आर द इम्यूनोलॉजिस्ट। इसका मतलब ये होगा कि आप इम्यूनोलॉजी की स्टडी कर रहे हो, यानी कि आप इम्यून सिस्टम के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हो। ठीक है, तो लॉजी मतलब होता है स्टडी करना, इम्यूनो मतलब होता है इम्यून सिस्टम। ठीक है माय डियर, तो ये बात आपको समझ के रखनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। यानी कि इम्यूनोलॉजी क्या है, जैसे कि बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांच है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, फिर मतलब आपने पढ़ा भी होगा बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं, फिर ऐसे साइटोलॉजी है, तो वैसे इम्यूनोलॉजी भी है। ठीक है, तो ये जहां जहां मतलब बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांच है, तो वैसे इम्यूनोलॉजी भी एक अपने अपने बायोलॉजी का एक ब्रांच है, branch of the biology which deals with the study of immune system। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो माय डियर, फिर अब हम स्टार्ट करते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में डीप में स्टडी करना, और हम जानेंगे सारी चीजें अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंटली। तो माय डियर, मैं आपको बताना चाहूंगा एकदम अच्छे तरीके से। देखो, जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम है, अब हमको इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, मतलब इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ना है, और अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हमारी इम्यूनिटी बेसिकली स्ट्रांग ही रहेगी, वो तो एकदम सबको मालूम है। ठीक है, तो अभी हमको अपने इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि भाई हमारे इम्यून सिस्टम में कौन रहता है, कौन हमें प्रोटेक्ट करता है, कौन हमारे कौन कौन से सेल्स होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में भी, हमारा इम्यून सिस्टम कितने टाइप का होता है, सारी चीजें हम माय डियर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो तो नाउ अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत सारे माय डियर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, इम्यून सिस्टम के, और वो डिस्टिंग्विश करते हैं खुद के सेल्फ सेल से और बाहर के नॉन सेल्फ से। यही हमारे इम्यून सिस्टम का बेसिक काम है। मतलब कि देखो मैं आपको बताता हूं, इस दुनिया में माय डियर पहले देखो, समझना अच्छे से बता रहा हूं, हम ही इंसान नहीं, एनिमल भी, इस दुनिया में चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो चाहे मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, मैक्रो मींस बड़े बड़े, जैसे हम सब मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे वायरस बैक्टीरिया आदि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो कोई भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म हो, सभी के सभी सेल से बनते हैं, सेल से। ठीक है, अब हमारी बॉडी भी सेल से बनती है, किसी वायरस की भी बॉडी सेल से बनती है, हाथी का होगा यानी एलिफेंट के सेल से भी सही उसकी बॉडी बनेगी, इस दुनिया में कोई भी हो सबकी बॉडी सेल से बनती है। ठीक है, तो अब देखो माय डियर, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, वो हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अंदर की जो बॉडी की सेल है, ईच एंड एवरी सेल्स की इंफॉर्मेशन हमारे इम्यून सिस्टम के पास होती है। जैसे कि अगर मैं लो मेरा आर्मी के, हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, अगर मैं उनको बोलूं कि आई एम फ्रॉम इंडिया, तो क्या मुझे वो किल करेगा? लेकिन नहीं मारेंगे ना मुझे, मुझे अच्छे से सेफ करेंगे, मुझे उल्टा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, मुझे बहुत मानेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो मेरा टकला उड़ा देंगे, समझ गया? तो वैसे ही सिस्टम है हमारा इम्यून सिस्टम जो है माय डियर, वो सिर्फ इतना काम है उसका कि वो रिकॉग्नाइज करता है कि हमारी बॉडी कौन सी है और दूसरे सेल की बॉडी कौन सी है। अब देखो, जैसे कि अगर मेरे अंदर वायरस घुस गया, तो मेरे अंदर का जो इम्यून सिस्टम है फटाक से पहचानेगा तुरंत, एकदम ऐसे सिस्टम चालू होता है हमारे बॉडी के अंदर, तुरंत सिग्नल के थ्रू स्टार्ट होता है सारी चीजें। ठीक है, हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा भी है सिग्नल किस तरीके से पास होते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू, समझ गया? तुरंत उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन सी हमारे सेल की बॉडी है और ये दूसरा सेल हमारे बॉडी में एंटर कर दिया है। ठीक है, यही चीज है। तुमने देखा भी होगा माय डियर कि कभी कभी एक इंसान को देखो, जब डॉक्टर्स लोग ब्लड देते हैं, ब्लड अगर दूसरे ग्रुप का ब्लड दे दो तो उसकी इंसान के 2 सेकंड से भी जल्दी अंदर ही अंदर मौत हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर का जो इम्यून सिस्टम है वो तुरंत क्या करता है, पहचान लेता है कि दिस इज नॉट आवर सेल, ये जो रेड ब्लड सेल आया है ये हमारा सेल नहीं है, ये हमारा ब्लड नहीं है। तो क्या करता है, वो तुरंत ही पूरा फेल हो जाता है, मतलब वो ब्लड को एक्सेप्ट ही नहीं करती हमारी बॉडी, और जब हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है उसको तुरंत इम्यून सिस्टम बाहर भगाने में कर देता है, तो पूरा ब्लड बाहर निकलता है और बॉडी तुरंत मर जाती है। ठीक है, तो यही हमारे बॉडी में सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम का काम क्या है कि वो सिर्फ ये रिकॉग्नाइज करेगा कि हमारे ओन सेल कौन से हैं और दूसरे बाहर से आने वाले माइक्रोब्स के, वायरस के, बैक्टीरिया के सेल कौन से हैं। ठीक है, अगर वो ऐसा रिकॉग्नाइज कर पाता है तब तो मार पाएगा ना हमारे नॉन सेल को, नॉन सेल तो हमको भी नहीं चाहिए ना भाई। ठीक है, तो जो नॉन सेल्फ सेल है यानी कि दूसरे सेल से जो हमारे सेल्स नहीं है, उन सेल्स को मारना बहुत जरूरी है, मारने से पहले उनको पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे यार, तुम रियल में बिलीव नहीं करोगे, ये चैप्टर में तुमको ऐसे ही समझना है कि हमारे इंडिया जैसी कंट्री में कोई घुस रहा है और उसकी इंफॉर्मेशन हम जान रहे हैं,
सेम वो ऐसी सिस्टम चलने वाला है, ये बात आपको समझ के रखनी है, ठीक है। तो यही अपने इम्यून सिस्टम का काम है माय डियर, ठीक है। चलो, मतलब ये डिफरेंशिएट करता है हमारे बॉडी सेल्स में और इन्वेडर सेल्स में। मतलब कि जैसे मान लो अगर हमारे इंडिया में कोई बाहर से आया, घुस गया, हमारे यहाँ का वेशभूषा रख लिया, मतलब उसने कपड़े पहन लिए हमारे जैसा एकदम पूरा बोली भाषाएं जो है लैंग्वेजेस सीख लिए, ठीक है, तो फिर कैसे काम चलेगा वो, हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन यही तो हमारे डिफेंस सिस्टम का काम है कि उसको पहचान के उसको पकड़ के मार दे, ठीक है, यही पहचानना उसका काम है, ठीक है माय डियर। चलो, तो अब हम देखते हैं दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को, दो इंपॉर्टेंट चीजों को। पहला है माय डियर एंटीजन और दूसरा है माय डियर एंटीबॉडी। अब इन दोनों को पूरे चैप्टर में हर वक्त हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तो प्लीज अभी के अभी इन दोनों कॉन्सेप्ट को सीख लो अच्छे से, ठीक है, ये बात अच्छे से आपको समझ के रखना है। ओके माय डियर, मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारी बॉडी कैसे पहचानती है। अब देखो, कोई भी कितना भी बाहर देश से आएगा, वो उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स तो एक ना एक दिन दिखाई देता है, मालूम है ना। अगर देखो, हमारे इंडिया में कोई अगर बाहर से पाकिस्तानी भी घुस गया, तो एक ना एक दिन उसके कैरेक्टर, उसका रहन सहन, चलना बोलना, कब तक वो अपने आप को हमारे जैसे ढालेगा, हमारे जैसे वो अडॉप्ट करेगा हमारे सिचुएशन को, नहीं कर पाएगा। एक ना एक दिन तो उसके बारे में पता चल ही जाएगा, और हम अगर उसको कंटिन्यूस रिकॉग्नाइज करते रहेंगे, उसके ऊपर स्क्रूटिनाइज करते रहेंगे, छानबीन करते रहेंगे, तो पता चल जाएगा, समझ गया। तो वैसे ही जब हमारे माय डियर हमारे अंदर माइक्रोब्स या जो भी हमारे अंदर बॉडी के अंदर पैथोजेंस हैं वो इंटर करते हैं, वायरस बैक्टीरिया, तो वो एक प्रोटीन को रिलीज करते हैं जिसका नाम है एंटीजन। वो रिलीज करते हैं एंटीजन को, और एंटीजन हमारे बॉडी के जो डिफेंस सिस्टम है वो एंटीजन के लिए बहुत सेंसिटिव है। मतलब जैसे ही उसको पता चलता है कि एंटीजन रिलीज हुआ है, तो हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत उसके कान खड़े हो जाते हैं और तुरंत सोचता है कि कौन एंटीजन रिलीज किया, क्योंकि एंटीजन तो हमारी बॉडी रिलीज नहीं करती है, हम ये बाहर के जो पैथोजेंस आते हैं वही रिलीज करते हैं। तो जो फॉरेन सब्सटेंस है, जो इन्वेड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वही कैपेबल होते हैं कि टू स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्सेस, ठीक है, इज कॉल्ड द एंटीजन। ये बात आपको समझ के रखनी है। अब ये क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, ये थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। मान लो ये वी फॉर वायरस है, हमारे बॉडी में एंटर कर गया, तो ये एंटीजन रिलीज करता है। एंटीजन ये रिलीज करेगा ही करेगा, ये कोई भी वायरस बैक्टीरिया अपने आप को रोक नहीं सकती कि वो एंटीजन रिलीज ना करे, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता है, एंटीजन रिलीज करेगा ही करेगा। और जैसे ही एंटीजन माय डियर रिलीज करेगा, तो हमारे इम्यून सिस्टम तुरंत रेडी हो जाएगी किल करने के लिए इसको। तो हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्स इन द सेंस कि किल करने के लिए रेडी हो जाएगा। हमने पढ़ा है ना WBC के बारे में अच्छे से, हमारे WBC में फैगोसाइटिक सेल होते हैं, मालूम है ना फैगोसाइटिक सेल क्या होता है। फैगोसाइटिक सेल क्या कहलाते हैं, जैसे मोनोसाइट्स है, ये सब फैगोसाइटिक सेल है जो किल करने का काम करते हैं। मोनोसाइट्स हमारे WBC का मालूम है ना पार्ट होता है, ठीक है, तो वो सामने वाले सेल को मार देने का, किल करने का काम करता है फैगोसाइटिक सेल, ठीक है। तो माय डियर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो इम्यून सिस्टम है, वो एंटीजन जैसे रिलीज होगा ना, उस एंटीजन रिलीज करने वाले चीज को मारने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां अब लाइन पढ़ो, यानी कि जैसे ही कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस या बॉडी, जो इन्वेडिंग बॉडी है, वो रिलीज करेगी एंटीजेंस को, एक प्रोटीन को, जो कि हमारे बॉडी के अंदर के इम्यून रिस्पॉन्सेस को रेडी कर देता है, हमारे बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स फटाफट स्टार्ट हो जाता है होना। तो उसी सब्सटेंस को, उसी प्रोटीन को हम एंटीजन कहते हैं। मतलब कि जैसे कि मैं किसी के अंदर घुस गया, तो मैं एक मतलब अपने कुछ ना कुछ कैरेक्टर को दिखाई दूंगा, तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये क्या है, तो मेरे उस दिखाने की वजह से सामने वाला एक्टिव हो गया ना फटाक से, उसने रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उसी यही चीज होती है एंटीजन, मतलब जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देता है, उसे हम एंटीजन कहते हैं। और कब देना रिस्पॉन्स स्टार्ट करेगा, जब कोई वायरस बैक्टीरिया एंटर करेगा, समझ गया। तो एंटीजन के बारे में डीप कॉन्सेप्ट आपको समझ चुका है, मतलब सिंपल बात यार कि एंटीजन वायरस बैक्टीरिया रिलीज करते हैं, और इसी की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज करके और इन वायरस बैक्टीरिया को मारने के लिए एक्टिव हो जाता है, ठीक है, ये बात आपको समझनी है ना। व्हाट इज एंटीबॉडी, अब देखो माय डियर, अब अपने वायरस ने हमारे बॉडी में मतलब एंटर कर गया, तो ये अब ऑटोमेटिकली एंटीजन रिलीज करेगा ही करेगा। जैसे ही एंटीजन रिलीज करेगा, तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इसके खिलाफ रिस्पॉन्स करेगा, मतलब इसको मारने की कोशिश करेगा, किल करेगा, रिस्पॉन्स देगा ना हमारा इम्यून सिस्टम कि तुम क्यों आए भाई, ऐसा मार भी देगा उसको, समझ गए। तो अब ऐसे तो नहीं कि इम्यून सिस्टम कोई तलवार वलवार लेके घूमता है, मस्त ऐसे शॉर्ट्स लेके घूमेगा और फिर मार देगा जाके, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एंटीबॉडी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, एंटीबॉडी नाम का एक प्रोटीन है, इसको रिलीज करता है, ठीक है। आगे हम इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो एंटीबॉडी इसको रिलीज करता है, और ये एंटीबॉडी जाके इस वायरस को किल कर देती है, समझ गया। तो ये होती है एंटीबॉडी, मतलब जो बॉडी हमारे इंटर बॉडी में की है, उस बॉडी को किल करने का काम एंटीबॉडी करती है। मतलब कि दूसरी बॉडियों को किल करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी रिलीज करता है और उनको किल करने का काम करता है। तो इतनी चिंदी सी बात आपको समझ गई होगी, यानी कि द प्रोटेक्टिव केमिकल
एंटीबॉडी एक प्रोटीन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, और हर प्रोटीन तो केमिकल ही है ना, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी इज दी एक प्रोटेक्टिव केमिकल है जो हमको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और जिसको कौन प्रोड्यूस करता है, इम्यून सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। फिलहाल ये इम्यूनिटिक सेल क्या होते हैं, इम्यून सिस्टम ऐसा एक सिस्टम है जो सेल से बना होता है, जैसे लिम्फेटिक सेल है, टी सेल है, हेल्पर टी सेल है, तो आपने इन सेल्स का नाम सुना भी होगा ऑफकोर्स, ठीक है। सो ये सेल्स कौन से होते हैं, इम्यून सेल्स हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे अच्छे से डीप में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, तो जो हमारे इम्यून सिस्टम में जो इम्यून सेल्स होते हैं, वो इम्यून सेल्स माय डियर इस प्रोटेक्टिव केमिकल को रिलीज करते हैं जिसका नाम है एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी किल कर देता है जाके उस वायरस को, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना है, जो कि एंटीजन के खिलाफ रिस्पांस देने में हेल्प करता है, और इन्हीं चीज को एंटीबॉडीज कहते हैं। समझ में आ गई मेरी बात नहीं, कितनी चिंदी सी थी ये। ओके, चलो माय डियर अभी हम आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, कितने टाइप की इस दुनिया में इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है ये हमको जानना है। पहले माय डियर तो इननेट इम्यूनिटी हो गई, दूसरी हो गई एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी क्या होती है, जो इनबॉर्न है, जो हमारे मदर से हमें मिलती है, हमारे जीन्स के थ्रू हमें मिलती है। जैसे कि देखो पहले के टाइम पे अगर मैं एक थोड़ा सा ऐसी बात करूं, मे बी ये एक्यूरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो पहले के टाइम पे जो राजा का बेटा हुआ करता था, वो राजा ऑटोमेटिकली बहुत, मतलब अभी राजा ही है, किंग ही है, तो उसके पास बहुत ताकत हुआ करती थी, क्योंकि उन लोग का खाना पीना, न्यूट्रिशियस फूड सब कुछ उनको मिला करता था, सारी चीज़ें वो, मतलब उतनी एक्सरसाइज उनके पास, इतने टीचर्स हुआ करते। देखो पहले के टाइम पे टीचर्स का होना बहुत जरूरी है, एडवाइजर्स का होना बहुत जरूरी है, हमारे हमें डिसिप्लिन में रखने वाले जो आचार यानी गुरु हुआ करते थे उनका होना जरूरी है। तो एक राजा के पास ये सब रहा करता था। मतलब कि देखो अगर आप ही आलसी हो, अगर आपको रोज कोई एक ही काम कर ले, मतलब उसका एक ही काम धंधा हो कि आपको रोज सुबह 5 बजे उठाएगा, आप चाहे कुछ भी करो, 2 दिन उसको मारोगे चिल्लाओगे, लेकिन वो छठवें दिन फिर आपको उठाएगा। तो अगर आपके साथ ऐसा हो जाए मर्डर, तो एक दिन वो आपके लिए बहुत अच्छा काम है, ठीक है, आप बहुत अच्छा काम करने लगोगे एक दिन, ठीक है। तो वैसा राजाओं के पास पहले ना ऐसा हुआ करता था। तो राजाओं के जो जीन्स हुआ करते थे, उनके बिहेवियर्स चेंज हो जाते थे। आपने सुना भी है कि डीएनए कंटेन्स ईच एंड एवरी बिहेवियरल इन्फॉर्मेशन, और ये जो डीएनए, कौन डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन्स होता है, तो जीन्स के पास सारी बिहेवियरल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो जो राजा का बेटा भी हुआ करता था, उसका बेटे के पास भी एक ऐसी, मतलब ताकत वाली चीजें, उसके उसके रहन सहन, उसके कैरेक्टर्स, उसके बिहेवियर भी वैसे ही हुआ करते थे। तो आपने वो कहावत भी सुनी होगी, जैसा मतलब जैसा बाप वैसा बेटा, ऐसा सुना भी होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यही चीजें हैं। तो इननेट इम्यूनिटी क्या होती है, जो इनबॉर्न इम्यूनिटी है, मतलब पहले से ही जो आती है, मतलब जो, मतलब वंशज से जो आती है, मतलब जो पूर्वजों से मिलती है, या मदर से मिलती हो, मदर के जीन्स से मिलती हो, जो जीन्स में रहती हो इम्यूनिटी, उसे हम इनबॉर्न इम्यूनिटी कहते हैं। कहते हैं ना ये इनबॉर्न इंटेलिजेंस है, मतलब पहले से ही ये इंटेलिजेंस है, ठीक है। वो कहते हैं ना वैसे इनबॉर्न इम्यूनिटी, उसे हम इननेट या फिर इनबॉर्न एक ही बात होती है, ऐसा हम कहते हैं ना। एक्वायर्ड क्या होती है, अब जिसको नहीं मिल पाया, सब राजा थोड़ी होते हैं यार, ठीक है। तो कुछ ना कुछ, इसीलिए तो कहते हैं कि जो हमारे डीड्स होते हैं, हमारे कर्म्स होते हैं, कर्म कर्म वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम क्या एक्शन करते हैं वही हमें दुनिया में मतलब बड़ा और छोटा इंसान बनाता है। चाहे वो राजा हो तो वो भी गरीब बन जाएगा अगर उसके कर्म गंदे हैं तो, और कोई अगर गरीब है वो भी अच्छा बन जाएगा अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो। तो माय डियर यही है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर मान लो बाय चांस हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, तो हम एक्वायर कर सकते हैं, हम बाहर से कहीं ना कहीं से इम्यूनिटी लेकर के एक्वायर करके और हम स्ट्रांग बन सकते हैं। तो ये होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन दोनों के बारे में हम माय डियर आज डीप में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स मैंने बना के रखी है, ठीक है माय डियर। चलो अभी देखते हैं यहां पे, तो इननेट इम्यूनिटी और इनबॉर्न इम्यूनिटी एग्जैक्टली क्या होती है, इसके बारे में आज ही हम जानने वाले हैं। तो अब आप जान चुके हो कि इम्यूनिटी क्या है, ये तो आई थिंक आप अच्छे समझ चुके हो कि गाइस एग्जैक्टली इम्यूनिटी क्या होती है। आई होप कि आप ये चीज जान चुके हो, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा कोई भी इन्फेक्शन जो आपको हो रहा है ड्यू टू पैथोजेंस, उसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस, वही आपकी इननेट इम्यूनिटी कहलाती है। मतलब इम्यूनिटी इन द सेंस वही चीज है जो कि आपके अंदर कोई भी अगर वायरस बैक्टीरिया आया, इन्फेक्शन फैला रहा है, उसको रजिस्ट करने का काम इम्यूनिटी करती है। अब चाहे वो इननेट हो चाहे एक्वायर्ड हो, काम तो दोनों का एक ही है ना, कि वायरस बैक्टीरिया नहीं आना चाहिए भाई, हमारी बॉडी सुरक्षित रहे, हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस मतलब प्रोवाइड करे, हमारी बॉडी में कोई वायरस बैक्टीरिया ना आने पाए, ठीक है। यही सभी इम्यूनिटी का एट द एंड एक फंडा होता है। तो इननेट हो चाहे एक्वायर्ड हो, सबका काम तो एक ही है। तो इननेट इम्यूनिटी की खासियत क्या है कि ये भी तो रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड करता है इन्फेक्शन के खिलाफ, लेकिन लेकिन ये एक ऐसा कोई भी एक इंडिविजुअल जो पशिश करता है जेनेटिक मेकअप के थ्रू, मतलब जीन्स के थ्रू, जैसे फादर मदर इन सभी से,
जीन्स के थ्रू एक इम्यूनिटी को स्ट्रांग तरीके से उसको मिलता है। जैसे कि देखो, अगर किसी के फादर को मतलब उसके अंदर ऐसी एंटीबॉडीज है, ना तो उसको कभी पोलिया होगा, ना तो उसको कभी मीजल्स होंगे, ना तो उसको कभी हेपेटाइटिस होगा, ना तो उसको कोई बीमारी होती है, तो उसका जो मतलब सामने वाला जो चाइल्ड आएगा उसको भी कोई बीमारियां नहीं होंगी, उसकी बॉडी भी स्ट्रांग रहेगी। समझ गया? तो ये कैसा, अगर किसी की मदर स्ट्रांग है तो उसके जो बेबीज होंगे वो भी स्ट्रांग रहेंगे। तो ये एक जेनेटिक मेकअप के थ्रू जो इम्यूनिटी आती है, इसे हम इनबॉर्न इम्यूनिटी कहते हैं। हालांकि काम तो इसका भी वही है जो कि इन्फेक्शन के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से मेडिन इन इम्यूनिटी को हम इनबॉर्न इम्यूनिटी कहते हैं। ये आपको पता चल चुका अच्छे से। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही मतलब डिफेंस सिस्टम को माइडर बाई नेचुरल या फिर इनबॉर्न सिस्टम भी कहा करते हैं ऑफ द बॉडी, ये आपको मालूम है। ठीक है, देखो अब ये जो बॉडीज होती है माइडियर, इनके अगर ये हमारे बॉडी में पहले से हुआ तो ये बहुत अच्छी बात है। ये सबको नहीं मिलता है, किसी किसी इंसान को ही ऐसा मिलता है जो लाखों में एक होते हैं, जिनके डीड्स अच्छे होते हैं, जो ज्यादा मतलब भक्ति वगैरह करते हैं या फिर अपनी बॉडी को ज्यादा स्ट्रांग रखते हैं। ठीक है, मेन चीज यहाँ पे मैटर करता है माइडियर जीन्स में। जीन्स तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही कंटेन करता, ताकत कंटेन नहीं करता, आपको मालूम है ना। जीन्स सिर्फ इंफॉर्मेशन ही कंटेंट कैरी करता है, मतलब इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, वो पावर को ट्रांसफर करने में हेल्प नहीं करता। तो कोई इंसान अगर ज्यादा ताकतवर, इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमार इंसान नहीं है, वो बीमार भी हो सकता है। ठीक है, तो जीन्स क्या होता है, एक थिंकिंग के ऊपर है। वो बोलते हैं ना, देखो पिछले टाइम के जो साधु हुआ करते थे, जो सेग होते हैं, जो मतलब जो तपस्या करते हैं, तो उनके उनके जीन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं मालूम है, और उनके पास ताकत नहीं होती, लेकिन उनके अंदर का जो एक नहीं क्या डिसीजन लेने की ताकत है, जो वो एक मतलब थिंकिंग एबिलिटी है, वो बहुत स्ट्रांग होती है। वो इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गया यहाँ पे, वो जीन्स से सारी चीजें रिलेटेड है। मैं ऐसे आपको ये बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में जानना है तो बस इतना सा जान के रखो कि ये जेनेटिक मेकअप के थ्रू क्रिएट होती है, इनबॉर्न कैपेसिटी है ये, जो कि मदर एंड फादर के जीन्स के थ्रू हमारे बॉडी में आती है। दैट्स इट, खत्म कहानी। ठीक है, और ये कभी भी इफेक्ट नहीं होती है, अफेक्ट नहीं होती बाय द कॉन्टेक्ट ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इम्यूनाइजेशन। अगर कोई हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो इससे हमारी इम्यूनिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये हमारे लाइफ टाइम तक, हमारे मरते दम तक हमारे बॉडी में ये इम्यूनिटी रहती है। ठीक है, ये बात आपको समझना है। बट गाइज, एक खासियत ये है कि ये एक नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक मतलब क्या है कि ये कोई स्पेसिफिक नहीं होती कि इसी वायरस को किल करेगी। अब देखो, जैसे कि हम एक दवा लेते हैं, हमको फीवर हो गया तो हम दवाई लेते हैं पैरासिटामोल। ठीक है, पैरासिटामोल हम नॉर्मली खाते हैं, या फिर एस्पिरिन भी खा सकते हैं अगर बुखार हुआ तो। ठीक है, तो अब एस्पिरिन जाएगी, बुखार को किल कर देगी, बुखार जो टेम्परेचर उसको डाउन कर देगा। ठीक है, ऐसे ही पैरासिटामोल भी करता है। तो स्पेसिफिक हो गया ना ये दवाई। ठीक है, तो वैसे ही हमारे बॉडी में ये नॉन स्पेसिफिक है, मतलब कोई भी वायरस आएगा, चाहे एक वायरस आए, चाहे हेपेटाइटिस करने वाला वायरस आए, चाहे बुखार का वायरस आए, चाहे बैक्टीरिया आ जाए, चाहे कोरोना वायरस आ जाए, चाहे फंगाई आ जाए, कोई भी आए, इन सभी को ये इम्यूनिटी किल कर देती, किल करेगी, एक ही बार में सबको किल करेगी। समझ गया? और नहीं करेगी तो किसी को भी नहीं कर पाएगी, मतलब सबको भगाती है ये, सभी से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कि इसको ही सिर्फ मारेगा। समझ रहे मैं जो बोल रहा हूं? तो ये नॉन स्पेसिफिक होती है, ये बात आपको समझ के रखनी है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो ये जो हमारे बॉडी में इननेट इम्यूनिटी है, ये किस तरीके से हमें हेल्प करता है, हम ये जानने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर। चलो, बहुत आसान है, आप डरो मत, इतना चिंदी है ना, अभी देखो आप खुद बोलोगे वाह यार कितना चिंदी है ये। ठीक है, नाउ तो पहला है हमारे इनबॉर्न इम्यूनिटी का टाइप, जिसको हम एपिथेलियल सरफेस कहते हैं। अब माय डियर देखो, पहले कॉन्सेप्ट समझो, एपिथेलियल का मतलब होता है एबो, मतलब ऊपर की लेयर, एबो लेयर। ठीक है, ऊपर वाली लेयर जो हमारी स्किन में ऊपर की लेयर होती है। ठीक है, तो ये कैसे हमें हेल्प करती है? पहला, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाली चीज हमारे बॉडी में माय डियर स्किन है। ठीक है, अगर स्किन ना होता तो हमारा ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली बाहर के वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस हमारे बॉडी में इंटर कर जाते। तो स्किन इज द फर्स्ट एंड फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्किन म्यूकस, म्यूकस यानी पता नहीं, जानते हो नहीं, लिक्विड मटेरियल्स, ये होते हैं म्यूकस। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी को कवर करके रखते हैं, और इसी की वजह से हमारे बॉडी में इन्वेजन, यानी कि जो इन्वेडर्स अंदर घुसते हैं, इस प्रोसेस को हम इन्वेजन कहते हैं। तो इन्वेजन जो होता है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इससे हमें बचा लेता है माय डियर। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट क्या है, अगर हमारे बॉडी में हेल्दी स्किन है, हमें स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हेल्दी स्किन क्या करती है, ये पसेस करती है बैक्टेरिसिडल एक्टिविटीज को। और हमारे मतलब बैक्टेरिसिडल एक्टिविटीज क्या होती है, समझो पहले। देखो, आपने देखा है कि हमारे बॉडी में कंटिन्यूस पसीना निकलते रहता है, हम सोचते हैं कि पसीना निकलना गंदी बात है, इट्स नॉट यार। पसीना क्यों निकलता है, हमारी बॉडी वैसे डिजाइन की गई है कि पसीना भी निकले, स्वेट निकले। स्वेट निकलने से ये होता है कि उस स्वेट में सॉल्ट होता है, और इसका सॉल्टी नेचर हमारे अंदर की बैक्टीरिया को, जो बाहर से बैक्टीरिया
बैक्टीरिया हमारी स्किन में बैठ जाती है उनको ऑटोमेटिकली किल कर देता है। आपने मेरे लिए सुना भी होगा कि अगर हमको पसीना ज्यादा निकलता है तो वायरस जो कोरोना वायरस है वो भी हमें किल नहीं कर पाता है, हमारे बॉडी में एंटर नहीं कर पाता है। तो ये भी आपने सुना होगा, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि वायरस मर जाएगा। सॉल्ट इस दुनिया में ऐसा नहीं कि जो सॉल्ट को झेल सके, सॉल्ट सबको गला देता है। आपको पता है अगर आपकी बॉडी को भी पूरे एक सॉल्ट के मतलब सॉल्ट से एक सॉल्यूशन सॉल्ट का बनाओ और आपको अगर उसमें 2 घंटे के लिए डाल दिया जाए तो आप इंस्टेंटली मर जाओगे, आपकी बॉडी गल के चमड़ी एकदम फट जाएगी। पता है सॉल्ट इतना खतरनाक है, सॉल्ट सबको किल कर सकता है, सबको। सॉल्ट को कोई सह नहीं सकता, किसी के अंदर इतनी पावर नहीं है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो वायरस बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, ये हमारे हेल्दी स्किन का एक कमाल है। तो पहला हमारा जो इनबॉर्न हमें मिली है कैपेसिटी ये है, जो हमारे बॉडी में सबके पास होती है, सभी के पास होती है। दूसरा है हमारे बॉडी में सबीसियस सिक्रीशन। सबीसियस क्या होते हैं? सबीसियस ग्लैंड हमारे स्किन में होते हैं माय डियर, स्किन में एपिथेलियल वाले पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में स्किन में, चमड़ी में, ठीक है। तो जो सबीसियस मतलब जहां से ऑयल्स वगैरह निकलते हैं, तो यहां से फैटी एसिड ऑयल ही देखो होता है, ठीक है। तो फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं और इनके पास भी बैक्टेरिसाइडल एंड फंगीसाइडल। ये सिडल वर्ड मतलब जानते हो क्या होता है? किल करना। बैक्टेरिसाइडल मतलब बैक्टीरिया को किल करना, फंगीसाइडल मतलब फंगस को किल करना, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं और इसीलिए सबीसियस सिक्रीशन देखो क्या करता है, हमारे बॉडी में बैक्टीरिया को और फंगस को किल कर देता है। माय डियर अगर आपने सबीसियस सिक्रीशन के बारे में जानना है तो सबीसियस ग्लैंड से हमेशा हमारी बॉडी में ऑयल सिक्रीट होता है। आप कभी कभी रात में सो के उठना अचानक से और फेस को जाके अपने मिरर में देखना तो आपकी स्किन के ऊपर हल्का हल्का ऑयली थोड़ा सा ऑयली आपका स्किन दिखता है, है? आपके आईज के नीचे देखना, आईज के ऊपर देखना, आप फ्रंटल सिचुएशन में आपके आईब्रोज के ऊपर, तो वहां पे हल्का जस्ट थोड़ा थोड़ा ऐसा ऑयली दिखता है। जिसको नहीं आता तो समझ लो उसकी सूखी और बेजान त्वचा है। आपने देखा होगा एड आते हैं सूखी, क्या आपकी त्वचा सूखी और बेजान है? तो वैसा हो सकता है आपके पास अगर ऐसा नहीं होता है तो। जिसको ऑयल्स आती है उसकी मतलब अच्छी बात, क्योंकि उसका सबीसियस ग्लैंड बराबर काम कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है म्यूकोसा। म्यूकोसा मींस लिक्विड होता है, लिक्विड। तो आपने देखा होगा जब आपको सर्दी वगैरह होती तो आपके वहां से म्यूकस निकलता है, यानी कि आप समझते हो ना म्यूकस क्या होता है, जो आपके नोज से निकलता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये म्यूकस बैठे होते हैं। अब म्यूकस क्या करता है? देखो म्यूकस का काम आपने कभी नाक से निकाला होगा, देखा होगा आप कैसा वो रहता है ना, मतलब एकदम चिकना सा, सॉफ्ट, चिपकता है, चिप चिप टाइप का, ठीक है। तो वो उसका काम क्या है, बहुत अच्छी बात है माय डियर। अगर आपकी बॉडी में नाक के थ्रू, आपके नोज के थ्रू कोई भी चीज अंदर जाती है बैक्टीरिया वायरस, तो क्या करता है, उसको अपने में चिपका लेगा। जैसे कि हम देखो माउस पकड़ने वाला एक आता चिपकाने का, तो वैसे ये चिपका लेगा उसको और फिर वो म्यूकस के थ्रू, यानी कि वही जो म्यूकस होता है उसके थ्रू आप बाहर उस वायरस बैक्टीरिया को बाहर निकाल देते हो, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ऐसी माय डियर हमारे बॉडी के अंदर इनबॉर्न नोज के अंदर देखो हेयर्स होती हैं, ठीक है। तो वो हेयर्स भी हमारे बॉडी के अंदर प्रोटोजोआ वायरस बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकते हैं और हमें ज्यादा फायदा होता है। तो इस तरीके से माय डियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे के सारे फैक्ट्स, दीज आर दी एपिथेलियल सरफेस वाले इननेट इम्यूनिटी के वाले चीजें। मतलब अब देखो, अब यहां पे मैंने बोला था कि नॉन स्पेसिफिक होते हैं, तो अब क्या मेरा जो एपिथेलियल सरफेस है, मतलब जो मेरी स्किन है, मेरी स्किन से अगर मान लो कोई भी अगर स्वेट रिलीज हो रहा है तो वो थोड़ी दिखेगा कि मैं वायरस को मारूंगा बैक्टीरिया को नहीं मारूंगा, स्वेट तो सबको खत्म कर देगा ना। तो ये एक ऐसी इम्यूनिटी है हमारी बॉडी का, ऐसा डिफेंस सिस्टम है। अब ये भी डिफेंस सिस्टम ही हुआ, जो भी हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे वही तो हमारा डिफेंस सिस्टम कहलाता है। अब जरूरी नहीं कि हमारे बॉडी के अंदर वाला ही हो, सब डिफेंस सिस्टम कहलाते हैं जो हमें प्रोडक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है। तो अगर अब हमारा जैसे सॉल्ट सीक्रेट होगा तो सबको मार देगा, समझ गया। तो ये हमारा एपिथेलियल सरफेस में होने वाला इम्यूनिटी है, ये भी हमारे बॉडी में इनबॉर्न होती है, हमें कहीं से लेना नहीं पड़ता ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस इन दी ब्लड एंड टिश्यूज, मतलब ऐसे एंटी माइक्रोबियल ब्लड और टिश्यूज जो हमारे बॉडी में होते हैं उनके बारे में हम समझते हैं। तो माय डियर हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा बॉडी है, हमारा सिस्टम जो होता है, हमारे बॉडी का सिस्टम, हमारे बॉडी के सिस्टम में बहुत सारे 30 से ज्यादा टाइप के सीरम प्रोटीन्स होते हैं। सीरम एक लिक्विड होता है जो कि प्रोटीन से बनता है और ये हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को रिलीज करने में हेल्प करता है सीरम, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना है, सीरम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये प्रोटीनियस फ्लूइड होता है, ये बात आपको ध्यान देना, प्रोटीनियस फ्लूइड सीरम होता है, ठीक है। चलो तो ये हमारे ब्लड में ऑटोमेटिकली प्रेजेंट रहता है। किसी का ब्लड रिपोर्ट होगा, अगर आपके घर में पुराना सुराना प्रेजेंट रहेगा तो उसको जाकर देखना, आपके बॉडी के अंदर ये सीरम प्रेजेंट रहेगा। और ये सीरम माइडियर कुछ करता नहीं है, ये इनएक्टिव स्टेट में रहता है। ये एक्टिव कब होता है वो जानना जरूरी है। मतलब जानते हो ना कैसा, जैसे कि आपका बॉडी गार्ड आपके साथ छुप छुप के चलता है, ठीक है, लेकिन वो किसी को पता नहीं चलेगा कि वो आपके छुप छुप के आपके साथ चल रहा है। और जैसे आपके ऊपर अटैक होगा अचानक से उसकी पावर दिखाएगा, आ जा भाई तुझे पता नहीं मैं इधर खड़ा हूं, कैसे मारेगा इसको तू, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है ना, तो वैसे ये इनएक्टिव फॉर्म में अपने ब्लड में छुप छुप के चलता है अपने सीरम प्रोटीन जो होते हैं, ठीक है। मतलब ब्लड के अंदर एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस यार, मतलब कि जो माइक्रोब्स को किल करने वाले सब्सटेंसेस,
हमारे ब्लड और हमारे टिश्यूज में प्रेजेंट होती हैं। तो ये कौन से फॉर्म में होते हैं? सीरम प्रोटीन के फॉर्म में, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, जैसे कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में एक्टिवेट होता है तो उसको एलिमिनेट करने का काम, इसी सीरम प्रोटीन का होता है। अब ये प्रोटीन को हम इंटरफेरेंस भी कभी कभी कहते हैं। इंटरफेरेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 8 साइंस क्लास 10th में, साइंस 2 में। इंटरफेरेंस भी एक अपनी बॉडी में प्रोटीन होता है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बॉडी को, ठीक है। तो ये इंटरफेरेंस भी वही चीज है जो कि एक सॉल्युबल प्रोटीन होता है जो कि हमारे बॉडी में वायरसेस को बैक्टीरिया से किल करने में हेल्प करता है। वायरसेस है बैक्टीरिया जिससे हमारी बॉडी को मतलब मार के भगाने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली इंटरफेरॉन्स माय डियर व्हाइट ब्लड सेल में होते हैं, डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ये आपको जान के रखना है। तो डब्ल्यूबीसी में हमारा ये इंटरफेरॉन्स होते हैं, ये बात आपको समझ के रखनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। चलो तो ये आप जान चुके हो, ये हमारे ब्लड और टिश्यूज में होते हैं सीरम नाम के प्रोटीन्स। आगे बढ़ते हैं माय डियर, ये भी हमारे बॉडी में मतलब ये भी हमारे बॉडी में कोई देता नहीं, पहले से होते हैं, इसीलिए ये भी हमारा एक इननेट इम्यूनिटी होती है, ठीक है, इनबॉर्न इम्यूनिटी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेलुलर फैक्टर्स के बारे में जो कि इननेट इम्यूनिटी का ही पार्ट है। सेलुलर फैक्टर्स ये क्या होता है, ये माय डियर एक नेचुरल डिफेंस है अगेंस्ट द इन्वेजन। इन्वेजन आप देखो, ये आपको मैं बार बार मीनिंग बताऊंगा नहीं। इन्वेजन मतलब जान के उन्होंने क्या है कि बाहर से कोई भी इंटर करता है उसे हम इन्वेजन कहते हैं। अब देखो इन्वेजन एक वर्ब है, इंग्लिश में वर्ब होता है ना, वर्ब प्रोवर्ब वैसा वर्ब है वर्ब। अब वर्ब का काम क्या है, वर्ब मतलब जानते हो ना, इन्वेडर्स इंटर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हो, इन्वेजन्स कर रहे हैं। मैं इंटर बोल रहा हूं, इंग्लिश में इन्वेडर्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई इन्वेजन कर रहा है, पैथोजेंस इन्वेजन करते हैं तो उन्हें हम इन्वेडर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्वेजन्स कर रहे हैं तो उनके खिलाफ हमारे बॉडी में डिफेंस सिस्टम होता है, डिफेंस सिस्टम जो कि सेल से क्रिएट होता है, सेलुलर डिफेंस सिस्टम। तो आपने देखा भी होगा डब्ल्यूबीसी के पास माइटर बहुत सारे फैगोसाइटिक सेल होते हैं, जैसे कि मोनोसाइट हो गया, जिन्हें हम दे सुना था कि माइक्रोफेज भी कहा जाता है, माइक्रोफेजेस, फेजेस। माय डियर फेजेस की स्पेलिंग ध्यान देना, phages, phases वाला फेज वो लेवल होता है। ये फेज मतलब क्या होता है, किल करने वाला कोई, ये फेज मतलब किल कर देना। तो माइक्रोफेज यहाँ पे लिखा हुआ, माइक्रो मतलब छोटे ऑर्गेनिज्म को किल कर देना, मैक्रो मींस बड़े ऑर्गेनिज्म को किल कर देना। तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे फैगोसाइटिक सेल होते हैं, फैगोसाइटिक मतलब मार देने वाला सेल, जो सामने वाले को मार देता हो। तो हमारे बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे डब्ल्यूबीसी कंटेन करता है किसी को किल करने वाले सेल, जो कि तभी एक्टिव होती हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म जब हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करेंगे उनको किल करने का काम ये फैगोसाइटिक सेल ही करते हैं, जो कि दो टाइप के होते हैं, एक तो माइक्रोफेजेस और एक मैक्रोफेजेस। इन दोनों को आपको समझ के रखना है। ये करते क्या है, पहले उसे इंजेस्ट कर जाएंगे यानी निगल जाएंगे और फिर इसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ऐसा इनका काम होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फैगोसाइटिक सेल क्या करते हैं, पहले इंजेस्ट कर जाएंगे देन उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। मतलब कि देखो ये बहुत ही सेंसिटिव है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा ये इंजेस्ट कैसे करते हैं, चलो आज नहीं मैं बाद में बताता हूं, ठीक है। ये इंजेस्ट कैसे करते हैं और फिर डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं मैं आपको सब बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पूरा फाइटिंग चलती है रियल में, जैसे वॉर होता है ना वैसे ही हमारी बॉडी में होता है, रियलिटी में बोल रहा हूं यार, बस तलवारें नहीं होती और बंदूकें नहीं होती है, तो गन हो तो वैसे रियल में फाट फूट फाट अंदर चलते रहेगा, फिलहाल ऐसा नहीं होता है, ये बात आपको समझ के रखना है। तो फाइनली माय डियर ये रिमूव कर देते हैं हमारे बॉडी के अंदर के फॉरेन बॉडीज को, ये बात आपको समझना है। और इसीलिए हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं, लाइक नेचुरल किलर सेल, एनके सेल भी हम जिसे शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। ये हमारे बॉडी के अंदर ना बहुत सारे इन्फेक्शंस को एंड ट्यूमर्स जो होते हैं हमारे बॉडी में, इन सभी को क्या करता है, ये नॉन स्पेसिफिक तरीके से डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट मतलब इन्फेक्शंस के अगेंस्ट उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब कि सामने अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया आ गया तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके एक्शन को करने नहीं देगा, क्योंकि अगर वायरस बैक्टीरिया आ गया तो इन्फेक्शन फैलाते हैं, तो उसके इन्फेक्शन ना फैले उसके लिए उसको क्या कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये बात आपको समझ के रखनी है, ठीक है। तो ये सेलुलर फैक्टर है जो कि हमारे सभी के इंसानों की बॉडी में होती है और ये हमें इनबॉर्न मिलता है, ठीक है। चलो फिर अगले पढ़ते हैं फीवर की तरफ। फीवर भी माय डियर आपको लग रहा होगा कि ये मतलब बहुत खतरनाक है, बट फीवर भी हमारे बॉडी में बहुत फायदा देता है। जब हमारे बॉडी में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो टेम्परेचर बढ़ने से कुछ वायरस बैक्टीरिया तो ऐसे ही मर जाते हैं। अब देखो कोरोना वायरस है, अगर आप गर्म पानी पीते हो कुछ और पीते तो मर जाता है ना, तो वैसे फीवर अगर हमारे फिलहाल उसकी वजह से फीवर भी आ रहा है, बट कुछ वायरस बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फीवर होने से भी मर जाती हैं, ठीक है। तो अगर इंक्रीज इन द टेम्परेचर अगर आपकी बॉडी में होता है, ठीक है, तो इन्फेक्शन जो होते हैं वो भी एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। अगर हमारे बॉडी में टेम्परेचर 37 से और 40 डिग्री सेल्सियस तक है, तो 40 डिग्री सेल्सियस तो डेंजरस होता है, बट अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो अच्छी बात है। आपको क्या लगता है कि 40 डिग्री सेल्सियस बहुत कम है? माय डियर आपको 104 डिग्री फारेनहाइट की बुखार हो जाती है 40 से 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, आपको मालूम भी है? जस्ट आप कन्वर्ट करो जरा डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में, आपको खुद समझ में आ जाएगा।
आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कैसे कन्वर्जन करते हैं। आपको मालूम है कभी भी 104 डिग्री सेल्सियस बुखार नहीं होती किसी को भी, ये बात ध्यान रखना। अगर कोई बोलता है ना कि 104 डिग्री सेल्सियस बुखार थी तो वो पागल है, उसको बताना भाई 104 डिग्री सेल्सियस बुखार तेरे को कैसे हो सकती है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में तो पानी उबलने लगता है, पानी अपना वाटर बॉयल हो जाता है। अगर किसी को 104 डिग्री सेल्सियस की बुखार हुई तो वो मर जाएगा। रियल में 104 डिग्री फारेनहाइट की बुखार होती है। फारेनहाइट इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर, ठीक है, और डिग्री सेल्सियस इज द बड़ा वाला टेम्परेचर, ठीक है, बड़ा वाला यूनिट होता है। तो डिग्री सेल्सियस में हम कभी मेजर करते नहीं है, हम करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर डिग्री सेल्सियस में बुखार अगर बहुत ज्यादा है तो 104 फारेनहाइट की बुखार को हम 40 डिग्री तक कह सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री इतना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर बुखार हुई तो 40 तक जाता है, और 40 बहुत खतरनाक टेम्परेचर है हमारे बॉडी के लिए, इतना नहीं होना चाहिए, 40-45 इतना नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम हो जाएगी। 50 में तो इंसान मर जाता है अगर डिग्री सेल्सियस हो गई तो, मोस्टली किसी किसी इंसान झेल भी लेते हैं जिनके पास बहुत पावर होती है, जानते हो ना, ठीक है। तो अगर फीवर हुआ मॉडरेट, इतना ज्यादा खतरनाक टेम्परेचर हमारी बॉडी में हुआ तो ये भी एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम का काम करता है नेचुरली, ठीक है, जो कि एक्सीलरेट करता है बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को, और ये हेल्प करते हैं इन्वेडिंग पैथोजेंस से, मतलब कि इन्वेडिंग पैथोजेंस मतलब जो बाहर से पैथोजेंस आती हैं उनको किल करने में ये मदद करता है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझनी है। बेसिकली ये प्रोडक्शन करता है इंटरफेरॉन का, इंटरफेरॉन कौन है जानते हो ना, वही एंटीबॉडी, एक प्रोटीन होता है, पता है ना इंटरफेरॉन क्या है, एक प्रोटीन है इंटरफेरॉन जो कि एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी क्या करता है, बाहर से आने वाले पैथोजेंस को किल करता है, समझ गया ना। एंटीबॉडी कौन रिलीज करता है, एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम रिलीज करता है, मालूम है ना, इम्यून सिस्टम रिलीज करता है। कब रिलीज करता है, जब उसको पता चलता है कि एंटीजन आ गया है। एंटीजन कब आएगा, जब वायरस अंदर आएंगे या बैक्टीरिया अंदर आएगी, यानी कि पैथोजेंस जब अंदर आएगा, तो ये बात आपको समझ के रखनी है। आगे बढ़ते हैं माय डियर, लास्ट वाला फेज है हमारे इम्यून सिस्टम का, ये जो मतलब इनबॉर्न वाला है, इसका लास्ट फेज है एक्यूट फेज प्रोटीन, यानी कि एब्स, इसके बाद एक फिर हम देखेंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये अपना कौन सा है, एक्यूट फेज प्रोटीन, एब्स, जिसे आप शॉर्ट में कह सकते हो। ये एक्यूट फेज होता क्या है, मतलब कि माय डियर अगर मान लो आपके बॉडी के अंदर, ठीक है, इन्फेक्शंस हो गया ऑन द इंजरी, मतलब इंजरी के पास जहाँ पे आपके पास घाव लगा है, या देखो ना आपको घाव लगता है तो वहाँ पे ब्लड स्ट्रीम ओपन हो जाता है ना, फिर आपको ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है, तो अब आपको यहाँ पे ज़्यादा ब्लड बहेगा, तो ज़्यादा ब्लड अगर आपको बह रहा है तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके उस जहाँ पे जिस भी जगह में आपको घाव लगा है तो वहाँ पे ब्लड ज़्यादा बाहर निकलना नहीं चाहिए पहली बात, और ब्लड ओपन है तो बाहर से वायरस बैक्टीरिया सीधा ब्लड में पहुँच जाएंगे। अभी तो हमारे स्किन में आते थे, तो स्किन में आने से क्या होता है कि वो जो स्किन है रोक लेगी, स्वेट प्रोड्यूस करती है, फिर अगर नोज के थ्रू जा रहे हैं तो वहां से, माउथ के थ्रू सलाइवा होता है तो वहां से भी हेल्प करता है हमारे बॉडी में, सलाइवा भी इन्फेक्शन को किल करने में हेल्प करता है। ऐसे ही बहुत अलग अलग जगह से हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें जा नहीं सकती हैं अंदर, बट अगर आपको घाव लग गया, इंजरी हो गई, तब तो सीधा ब्लड स्ट्रीम दिखता है, तब तो आपके बॉडी में कोई भी अंदर घुस जाएगा जल्दी से, तब तो प्रॉब्लम वाली बात है। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, जो एक्यूट फेज है यहाँ पे होता क्या है कि जैसे आपके बॉडी में इंजरी होती है माय डियर, तो आपकी बॉडी में बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं, वही सीरम जो हमारे ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, मैंने बोला था ना जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तो वही प्लाज्मा प्रोटीन ऑलरेडी कलेक्टिवली एक साथ क्या रहता है, एकदम ब्लड में प्रेजेंट रहता है, और इसी चीज को हम एक साथ में क्या कहते हैं कि एक्यूट फेज प्रोटीन, मतलब कि जो छोटे मोटे फेजेस में हेल्प करने वाला प्रोटीन। एक्यूट मतलब मिनिमम, छोटा कम, ठीक है, बड़ा नहीं, यानी छोटा स्मॉल एक्यूट, ठीक है। तो एक्यूट वाले फेज में प्रोटीन जो हेल्प करता है उसे हम एक्यूट फेज प्रोटीन कहते हैं। ये मेनली गाइस सी रिएक्टिव प्रोटीन्स होती हैं, जिसे हम सीआरपी भी कहते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी, और ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, लाइक मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन है, अल्फा वन एसिड ग्लाइको प्रोटीन है, सीरम अमाइलो मतलब अमिग्लॉइड प्रोटीन है। तो माय डियर आप ये नाम मतलब डरो मत इनका याद करके, ऐसा इसलिए क्योंकि ये इतने सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, तो आपको इनका नाम याद करना ही पड़ेगा। इन सभी के काम क्या करते हैं, ये प्रोटीन होते क्या है, ये सब के सब प्रोटीन पहली बात तो अमाइनो एसिड से बनते हैं, फिर माय डियर इनका काम क्या है कि वही आने वाले बाहर से वायरस और बैक्टीरिया को किल करने का काम ये करते हैं, ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है। बेसिकली वही यार रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, बाहर से कोई हमें किल ना करने पाए, यही इनका काम होता है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं फटाफट एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में माय डियर, ठीक है भाई। मतलब अभी हमने सीख लिया कि इननेट इम्यूनिटी क्या होती है, अब हम सीखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी एग्जैक्टली क्या है, मतलब अपनी बॉडी के अंदर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है
एग्जैक्टली वो क्या होती है, ठीक है, मतलब हमको बाहर से कहाँ से मिलती है। एक्वायर्ड मतलब अभी देखो इनेट वाली हमने समझ लिया कि हमारे बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट, जैसे हमारा स्किन आ गया तो हमको सबको स्किन मिलेगा ही, तो प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, नोज में हेयर्स आ गए, फिर वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी में, सलाइवा है, ठीक है, ये सब एक्वायर्ड है, मतलब इनेट है। और ऐसे बहुत सारी सेल की हमने देख ली, बहुत जितने भी टाइप्स हमने देखा सबके सब आपके इनेट में आती हैं। ना अभी हम देखने जा रहे हैं एक्वायर्ड वाली, मतलब जो हमको बाहर से मिलता हो, ठीक है, मतलब जो हमारे बॉडी में रहता नहीं है तो हम बाहर से लेते हैं और फिर हम ताकतवर बन के रहते हैं, ठीक है। तो ये हमको जान के रखना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, ओके माय डियर। चलो तो अभी हम इसी को अच्छे से समझेंगे कि मतलब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है कैसे आती है, मतलब ठीक है, यही लोग अभी इसी चीज को हम अच्छे से समझने वाले हैं। चलो ध्यान से देखना, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है माय डियर, ये कोई भी इंडिविजुअल जो रहता है, यानी कि इंसान जो रहता है इंडिविजुअल, वह एक्वायर करता है, बाहर से इस इम्यूनिटी को लेता है, और ऐसी इम्यूनिटी को, उस इम्यूनिटी की वजह से जो हमें मिलता है उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे कि मान लो एक इंसान है, उसके अंदर कोई वायरस और बैक्टीरिया घुस जाता है और उस वायरस और बैक्टीरिया से वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, तो क्या करेगा, वो ऐसा कुछ बाहर से लेगा जिससे कि उसकी जान बच जाए, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ इम्यूनिटी लेगा ना, तो ठीक है उसी इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ये इम्यूनिटी क्या होती है, एक अडेप्टिव टाइप की होती है और एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, मतलब कि ऐसा नहीं है मैटर कि जैसे कि हमने एक बार कोई दवा खा ली तो दुनिया के सारे बीमारियों को ठीक कर देगा, ऐसी दुनिया में दवा ही नहीं बनी है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना अच्छे से। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, जैसे कि मुझे कोई अगर बीमारी, मुझे सपोज कोरोना है, ठीक है, तो अगर मुझे कोरोना की दवाई लेनी है, किसी को कोरोना है उसको कोरोना की दवाई लेनी है, ठीक है, तो क्या होगा, वो पर्टिकुलरली कोरोना की दवाई ही लेगा, समझ गया अच्छे से। तो ये एक अडेप्टिव और एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, मतलब कि जिसमें हम स्पेसिफिक चीज़ों की को मारने के लिए, स्पेसिफिक वायरस या बैक्टीरिया को किल करने के लिए ही हम दवाइयाँ लेते हैं, ठीक है, तो ऐसी इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी मॉड्यूल कहते हैं, ओके। इनमें भी सेम चीज एंटीबॉडीज का ही काम है, बट देखो इननेट और इनबॉर्न में क्या था कि एंटीबॉडीज जो थी खुद से प्रोड्यूस होती थी बाय द इम्यून सिस्टम। अभी क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ये जो हम एक्वायर्ड वाली चीजें लेते हैं, ये खुद एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है, हम खुद एंटीबॉडी ही ले रहे होते हैं जब हम बाहर से कोई इम्यूनिटी को लेते हैं, कोई दवाई खाते हैं, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, मतलब वो एंटीबॉडी खुद ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है जो हम खाते हैं बाहर से, इम्यूनिटी जो हम लेते हैं बाहर से, ठीक है, जैसे पोलियो के लिए BCG का टीका हम लगवाते हैं, तो ये हमारे बाहर से एक इम्यूनिटी है जिसके वजह से हमें कभी भी BCG का टीका लगवा लेंगे तो पोलियो नहीं होगा। आपने सुना भी होगा छोटे छोटे बच्चों को पहले से लग जाता है, ठीक है, तो BCG जैसे ही आप ले लोगे तो आपको कभी पोलियो नहीं होगा, यानी कि जिंदगी में कभी आपको पोलियो नहीं होगा, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक है ना। अब BCG लोगे तो थोड़ी कि आपको एड्स नहीं होगा, आपको हेपेटाइटिस नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको सब होगा लेकिन पोलियो नहीं होगा, समझ गया। तो ये स्पेसिफिक है, यानी कि पोलियो जैसी बीमारी के खिलाफ आपके बॉडी में BCG ने एंटीबॉडी जनरेट कर दी है, अब आपको कभी भी पोलियो होगा तो एंटीबॉडी मदद करेगी मारने में उसको, ठीक है, ये बात आपको जान के रखनी है, इन्फॉर्मेशन कंटेन करके रखनी है। तो दीज आर दी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो माय डियर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है काम कैसे करता है, ठीक है, जैसे कि मान लो मैं किसी को पोलियो है, और पोलियो है अगर मान लो किसी को भी, और पोलियो के खिलाफ उसने BCG का टीका लगवा लिया, ठीक है, तो काम कैसे करता है, मतलब किस तरीके से काम करेगा और कभी उसको फिर पोलियो नहीं होगा एक बार लगवाने से, ऐसा क्या है मतलब। तो पहली बात तो स्पेसिफिसिटी है, स्पेसिफिसिटी ये पहला पॉइंट है, इन तीनों चार पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, इन चारों पॉइंट को प्लीज एंड प्लीज आपको माय डियर अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो स्पेसिफिसिटी क्या होती है, ये प्रोड्यूस करता है स्पेसिफिक एंटीबॉडी को, मतलब अगर पोलियो की दवाई लिया है तो पोलियो के खिलाफ ही क्या करेगा, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, या फिर आप टी लिम्फोसाइटिक सेल भी कह सकते हो। अभी टी लिम्फोसाइट क्या है हम आगे की वीडियो में पढ़ने वाले, इनके बारे में सब सेल होती हैं जो कि एंटीबॉडीज का काम करते हैं, एंटीबॉडी ही है ये, एग्जैक्टली एंटीबॉडी ही है, टी सेल, हेल्पर टी सेल, ऐसे बहुत सारे सेल हैं, तो ये एग्जैक्टली एंटीबॉडी ही है, लेकिन ये एक एंटीबॉडी तो हम इसे स्पेसिफिक कह रहे हैं, ये एक ऐसी बॉडी जो अपने पोलियो को किल करने के लिए हेल्प करती है। सपोज मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अब ये टी सेल किसी को भी किल कर सकता है, ठीक है, तो अभी कोई बीमारी है तो आपने दवाई ली तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी, पहले स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि खाया BCG और ठीक कर रहा है जाके मतलब टीवी को ठीक कर, ट्यूबरक्लोसिस को ठीक कर रहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा, समझ गया, मतलब स्पेसिफिक एंटीबॉडी होनी चाहिए, मतलब सामने कौन सी बीमारी है उसी को किल करना है, तो पर्टिकुलर एंटीजन को या पर्टिकुलर पैथोजेन को मारने के लिए हम एक स्पेसिफिक दवाई लेते हैं, जैसे कि पोलियो को किल करने के लिए BCG का टीका लगवाती हैं, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट दी पोलियो। नाउ नेक्स्ट डाइवर्सिटी, तो पहली बात अब डाइवर्सिटी क्या है, देखो अब हमारा पूरा ये ब्लड है, सपोज बॉडी है, बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हैं, हमारे कुछ हमारे लिए हेल्पफुल सेल हैं, कुछ हमारे लिए हार्मफुल सेल हैं, ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी में क्या होता है कि इतने बड़े डाइवर्स कंडीशंस में जो
टारगेट वाला सेल है जिसको मारना है, जो पोलियो वाला सेल है, उसको डाइवर्स कंडीशंस में भी, इतने बड़े वास्ट वैरायटी वाले सेल्स में भी, उस डाइवर्स पैथोजन को अपनी वो एंटीबॉडी, स्पेसिफिक एंटीबॉडी जिसको हमने प्रोड्यूस किया था, जिसके लिए हमने लिया था वो एंटीबॉडी को अपनी बॉडी के अंदर, वो सामने वाले पैथोजन को ढूंढ के रिकॉग्नाइज करके उस फॉरेन मॉलिक्यूल को किल कर देगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा, अभी फिलहाल किल नहीं करेगा, पहले रिकॉग्नाइज करेगा। तो पहली बात क्या है, पहला पॉइंट स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, मतलब कि कौन से बीमारी के लिए आप दवाई ले रहे हो, एंटीबॉडी किस चीज़ के लिए ले रहे हो, तो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होनी चाहिए। जब वो आपकी बॉडी में जाएगा तो वो क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं कि जाके सबको मार दे, तब तो आप भी मर जाओगे। वही तो होता है ना, जैसे आप किसी का ब्लड दूसरे का ले लो तो वो फिर सबको मार देता जाके अंदर, तो आपके ब्रेन सेल भी मर जाएंगे, आपका कार्डियक सेल यानी हार्ट बंद हो जाएगा, आपकी स्किन खत्म हो जाएगी, सबको मार देता है। तो ऐसा नहीं चाहिए भाई, ऐसा हुआ तो फिर तो हम दवा नहीं हो तो और बीमारी बन गई फिर तो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होनी चाहिए। तो क्या होगा, अब वो आने के बाद क्या करेगा, उस पर्टिकुलर सेल को ढूंढेगा, रिकॉग्नाइज करेगा किधर प्रेजेंट है वो, और जिधर भी वो मिलेगा उस वास्ट वैरायटी ऑफ सेल्स में से उसको पर्टिकुलर ढूंढेगा और उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसको याद रखेगा कि हाँ ये है, इसको मारना है आगे चल के। नाउ अब क्या होगा, जब उसने पता कर लिया ना, अभी पता कर लिया ना कि ये इतने इतने खतरनाक वाले हैं, तो अब उनको डिस्क्रिमिनेट करना है, डिस्क्रिमिनेट मतलब उनको अलग करना है, अलग कर देना। तो डिस्क्रिमिनेशन करेगा बिटवीन सेल्फ वाले, जो अच्छे वाले हैं, और नॉन सेल्फ वाले, यही तो इम्यून सिस्टम का काम है ना। तो तीसरा स्टेप क्या होता है उसका, कि जब ढूंढ लिया है तो ओन बॉडी सेल को अलग कर दो, क्योंकि ये हमारे लिए हेल्पफुल है, और जो फॉरेन वाले आए हैं उनको मारो, उनको ढूंढ के अलग कर दो, अलग करके फिर इनको बाद में अलग से इनकी धुलाई करेंगे, पहले अच्छे वाले को साइड में कर दो, समझ गया। तो ये डिस्क्रिमिनेशन लास्ट पार्ट हो गया, और डिस्क्रिमिनेशन होने के बाद माय डियर लास्ट स्टेप है डी, मतलब जो मेमोरी, मेमोरी क्या करता है, ध्यान देना अच्छे से। तो जैसे कि अपने स्पेसिफिक एंटीबॉडी ने पहले एक रिकॉग्नाइज किया कि कौन है, फिर उसको अलग कर दिया साइड में, अब उसको आके किल कर देगा, किल कर देगा उसको, ठीक है। अब मेमोरी क्या होती है ये समझना, किल तो कर दिया आपको मालूम, इतना चिंदी सी बात, किल कर दिया, पहले स्पेसिफिक हमने एंटीबॉडी ली, फिर उसने रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज करके डिस्क्रिमिनेट किया, अब मेमोरी में देखो क्या करता है। तो कभी भी जब आप किसी भी इम्यून सिस्टम के अंदर, आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम इनकाउंटर करता है किसी स्पेसिफिक फॉरेन एजेंट को, यानी कि एजेंट मतलब वही पैथोजेंस यार, अलग अलग आपके इस चैप्टर में बहुत नाम लिया है, एजेंट है, पैथोजेन है, इन्वेडर है, ये अलग अलग नाम सिर्फ एक के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वायरस और बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। तो जब ये आपकी बॉडी में इंटर करता है ना माय डियर, इंटर करता है ना, फर्स्ट टाइम इंटर करेगा, जब फर्स्ट टाइम इंटर करेगा तो वो फटाफट क्या करेगा, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी है, अगर मान लो पोलियो आपकी बॉडी में फर्स्ट टाइम इंटर किया, आपने पहले ही एंटीबॉडी उसकी लेके रखी है, आपने हथियार पहले लिया है, तो आपका हथियार क्या करेगा, जैसे इंटर करेगा ना वो, मान लो जैसे पोलियो आपके बॉडी में आया तो वो एंटीजन रिलीज करता है, मालूम है ना। तो हमारे बॉडी में पहले से ही पोलियो के खिलाफ एंटीबॉडी है, हमारे इम्यून सिस्टम के पास, हमारा इम्यून सिस्टम के पास बहुत सारी एंटीबॉडी होती है, तो हमारे इम्यून सिस्टम के पास इनबॉर्न पोलियो की एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है। तो अब अगर हमने पोलियो की एंटीबॉडी ले ली तो हमारे बॉडी में पोलियो की एंटीबॉडी भी रहेगी, मतलब हथियार रहेगा, जैसे कि पता है ना कोई सामने से मिसाइल फेंक रहा है तो मिसाइल को मारने के हमारे पास हथियार होने चाहिए, कोई गन से मारा तो गन से बचने के लिए हथियार होना चाहिए, ऐसे हमारे पास एंटीबॉडी एक हथियार होता है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम जो है वो पोलियो को मारने के लिए एंटीबॉडी रखा है, अब जैसे ही पोलियो की कोई वायरस बैक्टीरिया अपने बॉडी में एंटर करेगा तो वैसे ही क्या होगा, ये एंटीबॉडी को इम्यून सिस्टम हमारा रिलीज कर देगा, बोलेगा जा मार इसको, तो हमारा एंटीबॉडी फटाक से आएगा, पहले स्पेसिफिक है कि भाई पोलियो को ही मारेगा, पहली बात तो ये कंडीशन। दूसरी बात ये हो गई कि रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ ये पोलियो वाला जो है ये पोलियो का कौन सा है और अपने अच्छे वाले कौन से हैं। तीसरी बात, जितने पोलियो के उनको फटाफट अलग कर देगा और फिर उनको मार देगा, किल कर देगा, उनका इनकाउंटर करेगा, फर्स्ट टाइम में ऐसा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम तो माइडियर ऐसा हो गया, इतना सारा काम करना पड़ रहा है, फर्स्ट टाइम में इतना सारा काम करना पड़ रहा है, समझ गया। जितने भी इन्वेडर आ रहे हैं पहले उसके लिए स्पेसिफिक निकालो, रिलीज करो, फिर रिकॉग्नाइज करो, फिर अलग करो, फिर मारो, समझ गया। पहले पहचानो, रिकॉग्नाइज करने का काम उसको करना पड़ रहा है ना, कि भाई कौन सा है, पोलियो वाला ही है कि कोई और तो वायरस नहीं है, क्योंकि अगर पोलियो वाला तो मार देगा, लेकिन अगर मान लो वहीं पे हेपेटाइटिस का हो गया तो उसको नहीं मार पाएगा, क्योंकि एंटीबॉडी एक एक की ही स्पेसिफिक होती है। तो ये फर्स्ट टाइम जो इनकाउंटर, वैसे हम फर्स्ट इनकाउंटर कहते हैं रियल में माइडर, सोचो इनकाउंटर हो रहा है अपनी बॉडी के अंदर, हमको पता भी नहीं हमारे बॉडी में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो इनकाउंटर हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, अब देखो माइडर फर्स्ट टाइम तो ठीक है, अब मान लो एक बार किल कर दिया, दो से तीन महीने हो गए, चार महीना हो गया, अब दूसरी बार अगेन फिर से पोलियो अगर आया, ये तो फिक्स है कि आप बचोगे, आप मरोगे नहीं, क्योंकि आपके पास एंटीबॉडी है ना, आपको कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी अपनी एंटीबॉडी कैसे काम कर रही है हम वो जानने वाले हैं। तो पहली बार है तो मार दिया, पहली बार है तो पहले स्पेसिफिक रिलीज किया गया, स्पेसिफिक रिलीज होने के बाद फिर क्या होगा, फिर उसको रिकॉग्नाइज करेगा, फिर डिस्क्रिमिनेट करेगा, फिर जाके अभी मारेगा उसको, ठीक है। अब जब सेकेंड टाइम आएगा ना, देखो ध्यान से, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी रिलीज हो चुकी होती है ब्लड में, तो अब हमारे बॉडी में हमेशा वो एंटीबॉडी रहेगी,
तो अब स्पेसिफिक रिलीज होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अब जब एक बार आ गया है तो रिकॉग्नाइज करने की जरूरत भी नहीं है, सीधे अपना यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट करके और सीधा मार देना है, दूसरे स्टेप ही अप्लाई होंगे। तो ये होती है मेमोरी, मतलब कि हमारे एंटीबॉडीज के पास मेमोरी भी होती है, यानी कि इम्यून सिस्टम रिटेन्स द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट इनकाउंटर, पहले इनकाउंटर की मेमोरी उसके पास रहती है कि यही पोलियो का वायरस आया था, ऐसे इस बार आएगा तो इसको फिर से ऐसे ही मारूंगा। समझ गया, तो आप समझ रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से ये कंटेन करता है, मतलब कि इनकाउंटर, पहला इनकाउंटर किस तरीके से किया गया था वो हमारे एंटीबॉडी को पता होता है। अब अगर सेकेंड इनकाउंटर कभी हुआ ना, तो सेम पैथोजन का अगर सेकेंड इनकाउंटर हुआ ना, तो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा बहुत क्विक होगा, हमको अभी रिकॉग्नाइज नहीं करना पड़ेगा, हमको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना पड़ेगा, हमको सीधा जाके मार देना है उसको, ठीक है। तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर रहेगा इस बार सेकेंड टाइम भी, क्योंकि हमारे पास एंटीबॉडी है, और अगर सामने वाला दोबारा आएगा तो हम उसको छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे, हम उसको तुरंत किल कर देंगे। तो माय डियर, ये होता है हमारे पूरे के पूरे जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है, इसके फंक्शनैलिटीज, इसके जो फंक्शंस किस तरीके से वर्क करते हैं, ये हमारे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का पूरा फंक्शन है। मतलब कि पहली बार आएगा तो थोड़ा उसको पहले पहचानेगा कौन है, फिर उसको अलग करेगा, फिर मारेगा। अगर सेकेंड टाइम आएगा तो पहचान तो पहले ही लिया है, रिकग्नाइज भी कर लेता है पहले ही, बस डिस्क्रिमिनेट करना रहेगा तो करेगा, नहीं तो उधर ही मार देगा, ठीक है। तो ऐसा हमारा सेकेंड टाइम का मेमोरी, तो इसी टाइप को मेमोरी कहते हैं, मतलब मेमोरी रिटेन करके रखता है, ठीक है। तो ये बातें माय डियर आपको जान के रखनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर। अगर आपको अच्छा लगा हुई वीडियो तो प्लीज सभी को शेयर जरूर कर देना, इससे बेस्ट वीडियो अगर आपको कहीं मिले तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी जरूर करिएगा और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।